कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। प्रश्न नंबर 61 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दो संधारित्र ब्रैकेट में C1 बराबर 4 μF तथा C2 बराबर 12 μF समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 बराबर 8 μF के श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। बताइए, पहला पार्ट संयोग की कुल धारिता, दूसरा पार्ट C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, तीसरा पार्ट C3 का विभवांतर, चौथा पार्ट समांतर संयोग का विभवांतर। बच्चों, क्वेश्चन आपने सुना, क्वेश्चन में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करिए और एक एक पार्ट हम लगवा रहे, समझा भी रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, दो संधारित्र C1 और C2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ गौर से देखिए, अगर हम फिगर बनाए आपके सामने, तो एक संधारित्र हमारा ये इस तरह से है और दूसरा संधारित्र हमारा इस तरह से है। ये हमारे पास दो संधारित्र हैं C1 C2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े भी हैं। दो संधारित्र है C1 और C2 जो परस्पर समांतर क्रम में जुड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि इस संयोग से एक तीसरा संधारित्र, इन दोनों के संयोजन से एक तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इनके संयोग से एक तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं C3। चित्र समझ में आ गया बेटा, सवाल के हिसाब से चल रहे हैं और फिगर बनाते जा रहे हैं, एक एक स्टेप फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए, ध्यान देते जाइएगा। तो यहाँ पर समझिए, एक संधारित्र C1 है, एक संधारित्र C2 है, दोनों परस्पर जो है किस क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों परस्पर जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो संधारित्र, और इनके साथ एक तीसरा संधारित्र जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। हमें बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, बताना है, चित्र बनाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। आप लोग जो है 60 सवाल लगा चुके अभी तक, इसका मतलब बहुत टाइप की सवालें आप सीख चुके। वैल्यूज दिया हुआ है 4, 12 और 8। C1 की वैल्यू बच्चों 4 μF है, इसकी वैल्यू 12 μF है और इसकी वैल्यू 8 μF है। हमसे कई सारी चीजें पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमसे पूछ रहा है बेटा संयोजन की तुल्य धारिता। तो हम पहले इस चित्र के अनुसार देखते हैं, संधारित्र अगर जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता संधारित्र की क्या आएगी, ये निकालते हैं। सबसे पहले संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा जरा, दोनों किस क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में है, इन दोनों को समांतर विधि से जोड़ ले और जो आए उसके साथ C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो अगर हम मान लें इन दोनों का समांतर संयोजन C' है, तो वो C' इसके साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। माना C1 व C2 के संयोजन की तुल्यधारिता, संयोजन की तुल्यधारिता गौर से देखिए C' है, C1 और C2 के संयोजन के तुल्य धारिता कितनी मान लिए बच्चों, C' मान लिए। मान लिए कि C1 और C2 के संयोजन के तुल्य धारिता C' है, दोनों समांतर संयोजन में है। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्न पढ़ चुके, अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके संयोजन के तुल्य धारिता निकालने का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जो बच्चे नए आ रहे हो,
10 तारीख से 10 अगस्त से हम रिपीट क्लास चलाएंगे, उसमें बैठ के पढ़ लीजिएगा। और ये चैप्टर सवाले समझनी हो तो आप जो है चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब चैनल पे ओपन कर लीजिएगा मेरा, और पहले वीडियो जो होगी उसमें केवल फार्मूले समझाए हैं, तो आप फार्मूले प्लेलिस्ट से देख करके सीख लीजिए, जिससे सवाल लगाने में आपको असुविधा न हो, आप ये चैप्टर भी लगा सको। फिलहाल हम आप लोगों को ये चैप्टर दोहरवाएंगे 10 अगस्त से। तो देखिए जरा, C1 और C2 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर संयोजन की तुल्यधारिता का सूत्र लगाएं। क्या होता है बेटा, C=C1+C2+C3, तो C1+C2 यही दो संधारित्र है, वैल्यू रख दो 4+12 बोले तो 16 मिल गया। याद रखिएगा इन दोनों की तुल्यधारिता C' 16 म्यूलियम आ चुकी है, इन दोनों की तुल्यधारिता कितनी आ चुकी है 16 म्यूलियम, याद रखिएगा। अब ये जो C' है, जैसे कल फिगर बनाए थे याद करिए, कल भी सवाल ऐसे लगे थे कि इन दोनों चित्रों को हटाकर एक संधारित्र लग सकते हैं वहां पर C' और वो इसके साथ किस क्रम में दिखाई दे रहा है, मतलब हम चाहे तो इस फिगर को अब मिटा दें, ऐसे यहाँ पर जो दो संधारित्र थे, दो के बजाय हम एक संधारित्र लिख दें केवल ऐसे, और उसका नाम लिख दें C' तो हमारी कहानी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दो थे, दोनों को जोड़ दिए तो दोनों मिलके एक बन गए, और बना C' और आया 16 मिलियन। और अब ये C' और C3 देखो एक सीरीज में लाइन में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखो C' हुआ C3 का श्रेणी संयोजन में तुल्यधारिता, अगर इन दोनों के संयोजन की तुल्यधारिता हम अगर ध्यान दें, केन की तुल्यधारिता सी हो, तो अब आप तो बेटा हम पढ़ा चुके हैं, जो लोग ये चैप्टर पढ़े हो, कि अगर संधारित्र जोड़े जाते हैं तो जैसे कक्षा 10 में प्रतिरोध का जोड़ना पड़े थे, आप प्रतिरोधों को जब आप जोड़ते थे तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते थे और प्रतिरोध समांतर क्रम में, 10 की क्लास में आपने सीखा है प्रतिरोधों को जोड़ना, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन की विधि पढ़े हैं। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध के जोड़ का सूत्र आप पढ़े हैं R=R1+R2+R3, समांतर क्रम में जोड़ का सूत्र पढ़े हैं (1/R)=(1/R1)-(1/R2)-(1/R3)। वैसे ही इस चैप्टर में हमने आपको संधारित्र का जोड़ सिखाया है और संधारित्र को जोड़ना सिखाया है बेटा, कि संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध के उल्टे स्टाइल में, श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र होता है 1/C=1/C1+1/C2+1/C3, जबकि समांतर क्रम में जोड़ का सूत्र होता है C=C1+C2+C3, ऐसे। तो समांतर क्रम वाला संयोजन लग गया, श्रेणी वाला लगेगा 1/C, तुल्यधारिता अगर सी हो बराबर 1/C1+C2+C3, यही सूत्र होता है। तो यहाँ एक संधारित्र C' है और एक संधारित्र C3 है, यही रहेगा, इन्हीं दोनों में सही संयोजन हो रहा है। और अब 1/C=C' आया है 16 और C3 है 8, दोनों को बच्चों जोड़ दें, C3 को और 8 को यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, 1/C=, गौर से देखिएगा, 16 और 8 का एलसीएम भिन्न का जोड़ है 16, हर से हर को भाग दो, 16 × 16 8 × 2 = 16, ये 1/C=3/16, तो C=16/3 मिलियन, एक आंसर आ गया बच्चों। संयोजन के तुल्यधारिता हमें पता लग गई कि संधारित्रों को अगर चित्र के हिसाब किताब से, जैसा कि हम जोड़े हैं इस तरह से जोड़ेंगे तो तुल्यधारिता हमें पता लग जाएगी, C=16/3 मिलियन, एक आंसर आ गया। यहाँ चित्र भी हम सही कर दे रहे हैं मिटाकर, जैसे चित्र पहले बनाए थे उस तरह से बना दे रहे हैं, चित्र इस तरह से था, यहाँ एक संधारित्र था C1 और ये दूसरा संधारित्र था, यहाँ पर ऐसे ये C1 था, यहाँ पर संधारित्र था C2, ये था C1 था 4 म्यूलियम और C2 कितना था 12 म्यूलियम, ये ऐसे था, चित्र यही था। अब बच्चों हमसे कुछ और भी पूछ रहा है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हम इस चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, जब भी संधारित्रों का श्रेणी संयोजन होता है तो उनमें आवेश समान होता है,
और जब संधारित्रों का समांतर संयोजन होता है तो उनमें विभवांतर समान होता है। तो यहाँ ये हमारा जो सी डैश था इन दोनों का मिक्सचर और ये जो सी थ्री था दोनों आपस में किस क्रम में थे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है? आवेश। जो अलग अलग का आवेश होता है वही सामिलात का भी आवेश होता है। तो सी डैश और सी थ्री दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए दोनों का आवेश समान होगा। यहां देखो जरा ऐसे ही कर लगी थी बड़ी सी सवाल। सी डैश मतलब दोनों का जो टोटल था और ये सी थ्री परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है इसलिए सी डैश का आवेश, ध्यान दीजिएगा, बराबर सी थ्री पर आवेश बराबर कुल आवेश। दोनों जो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनके अलग अलग आवेश, सी डैश का आवेश सी थ्री का आवेश बराबर कौन सा आवेश बेटा? कुल आवेश, जितना टोटल आवेश था। और कुल आवेश का सूत्र आप जानते हो, आवेश निकालने का फार्मूला होता है क्यू बराबर सी इंटू बी। क्या होता है आवेश निकालने का सूत्र? तो कुल आवेश कुल धारिता, धारिता सी है इंटू कुल विभव, यही तो आवेश का सूत्र होगा। कुल धारिता गुणे कुल विभव, धारिता टोटल सी है और विभव दिया हुआ है प्रश्न कि इस जो है युक्ति को 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। कितने वोल्ट पर आवेशित किया गया है? सी का वैल्यू कितना आया है? 16/3। म्यू एफ है, म्यू शब्द का मतलब 10^-6 और वोल्ट है कितना दिया है? 200 वोल्ट। कह रहा इस फिगर को 200 वोल्ट से आवेशित करते हैं तो 200 वोल्ट से आवेशित किए हैं। अब कैलकुलेशन कर ले, अपने पास आवेश की वैल्यू आ जाएगी, सी थ्री का आवेश आ जाएगा, सी डैश का आवेश आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर में दिमाग भी लग रहा है। 16^32/3 बुढ़े 10^-4 कूला। बच्चों आपसे क्वेश्चन ने पहले पार्ट में पूछा था संयोजन के कुल धारिता, तो जो ये आ चुकी है पहला आंसर ये है। फिर दूसरे पार्ट में पूछा था सी थ्री की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, ये आ चुका सी डैश या सी थ्री का आवेश। ये मतलब पहला पार्ट हमारा हो गया और ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, जो जो पूछा दूसरा पार्ट पता लग गया। तीसरा पार्ट पूछ रहा है सी थ्री का विभवांतर बताइए, सी थ्री पर विभवांतर। देखिए जरा तीसरा पार्ट यही चुप्पे से लगा दे रहे हैं, सी थ्री पर विभवांतर हमसे पूछ रहा है। आप इस सूत्र को याद करो, क्यू बराबर सी बी तो बी बराबर क्यू अपान सी, यही सूत्र लगेगा, बी बराबर क्यू अपान सी। क्यू मतलब इसका आवेश और सी मतलब इसकी धारिता। तो देखिए जरा आवेश 32/3 गुणे 10^-4 इज दैट ओके, 32/3 गुणे 10^-4 और धारिता, धारिता जो है सी थ्री की 8 मिलीवोल्ट है, सी थ्री धारिता कितनी है? 8 गुणे 10^-6। कैलकुलेशन करते हैं, देखो जरा 8^4/3 6 ऊपर गया, 6 गया 2 तो 400/3 वोल्ट, भागों दे सकते हो, एक आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आपने देखा, एक बार फिर समझा रहे हैं कि हमारे पास दो संधारित्र हैं C1 और C2, दोनों की धारिता है 4 मियोफ और 12 मियोफ है। थोड़ा सवाल है, चूंकि लास्ट सवाल है, 67 सवाल है, 7 सवाल और लगवा दे चैप्टर फिनिश हो जाए। तो देखिए जरा दो संधारित्र हैं 4 मियोफ और 12 मियोफ के, दोनों प्रश्न के अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस संयोजन से एक और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जो है 8 मिलियन का, तो अब संयोजन की कुल धारिता बताओ। और अगर इस फिगर को 200 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाए तो C3 पर विभवांतर बताओ, C3 पर आवेश बताओ, समांतर संयोजन में विभवांतर बताओ, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो पहले हम इन दोनों को जो है किस क्रम में जोड़ दिए, C1 और C2 को समांतर क्रम में, तुल्य धारिता C' 16 आ गई।
और ये जो दोनों की तुल्यधारिता है वो इसके साथ श्रेणी क्रम में थी, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्यधारिता सी निकाल लिए, सी की वैल्यू आ गई 16/3 न्यूटन, एक उत्तर आ गया, परिणामी धारिता हमें पता लग गई। अब बच्चों हम जो है सी डैश और सी थ्री दोनों को देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है, श्रेणी संयोजन में अलग अलग जो आवेश होता है वही टोटल आवेश होता है, इन दोनों का अलग अलग आवेश बराबर टोटल आवेश, और आप देख रहे हो सी टू भी फार्मूला लगाकर 32/3 × 10⁻⁴ गुलाब, ये हम पा गए आवेश, किस पर आवेश पा गए सी डैश पर, और अब बच्चों सी ये आवेश पा गए सी थ्री पर विभवांतर, ये दोनों का अलग अलग आवेश भी है और जो है टोटल आवेश भी है, विभवांतर भी बराबर क्यू और पांच सी सूत्र होता है, क्यू की जगह माने सी थ्री का जो आवेश आया है और सी थ्री जो धारिता हो, हल किए तो 400/3 वोल्ट है, ये इतना उत्तर आ गया। एक पार्ट और पूछ रहा है, कह रहा है समांतर संयोजन का विभवांतर, जो समांतर संयोजन है उनमें विभवांतर बताइए, मतलब समांतर संयोजन सी डैश में हुआ है सी डैश का विभवांतर, तो आप समझ रहे हो इसी तरह से सी डैश के लिए क्यू अपान सी का मान लगाकर रखे। बच्चों यहाँ पर जो है बी बराबर समांतर संयोजन में विभवांतर निकालना है, मीन्स सी डैश का विभवांतर, तो सी डैश का विभवांतर बराबर सी डैश पर आवेश बटे सी डैश की धारिता, सी डैश पर आवेश का मान देख के बताइएगा कुल आवेश 32/3 × 10⁻⁴ गुलाम आया है, लेकिन सी डैश मतलब समांतर संयोजन के दौरान धारिता, तो 4 और 12 दोनों के संयोजन की धारिता सी डैश का मान 16 मिलियन है, तो यहाँ 16 मिलियन जब बाई करेंगे तो 16 × 32 2/3 × 10⁻², माने 200/3 वोल्ट आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 66.7 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ओके, पर 62 पढ़ते हैं, फिगर दी हुई है और इस हिसाब से लगाना फिगर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है, 62 और 63 टेक्निकल क्वेश्चन है, कंपटीशंस में आते हैं, 62 पढ़ रहे हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 μF है जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युतों की बराबर मात्राओं से चित्रानुसार भर दिया जाता है, यदि उनके परावैद्युतांक 3 और 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र के धारिता की गणना करिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 μF है, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है प्यारे स्टूडेंट्स और उसकी धारिता 2 μF दिया हुआ है, इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है, तो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी दोनों प्लेटें जिसे इस तरह से गौर से देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसकी प्लेट नंबर x है और प्लेट y है, दोनों प्लेटें हैं, इसके बीच वाल या निर्वात भरा हुआ है, मीन्स कोई माध्यम नहीं है, और इस दौरान इसकी धारिता दिया हुआ है 2 μF, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 μF है, प्लेटों के बीच निर्वात है, इन दोनों प्लेटों के बीच कुछ नहीं भरा हुआ है, तब धारिता 2 μF है, और ये वायु संधारित्र या निर्वात वाला संधारित्र धारिता का सूत्र A₀₀₀₀D 2 μF, ये एक तरह से मान लिया एक समीकरण बन गया है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े है ना आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में ही आया होगा, क्वेश्चन अब पढ़ता हूँ एक एक स्टेप समझिए, और इस तरह के क्वेश्चन बेटा कम्पिटिटिव है, इसी तरह के क्वेश्चन 3-4 एग्जाम्पल में है, मैं उन्हें भी लगवाऊंगा क्योंकि वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और अब देखिए जरा 2019 में क्वेश्चन आया था पिछली बार जब जो है एग्जाम हुआ था, तो देखिए जरा प्लेटों के बीच के स्थान को, ये जो प्लेटों के बीच की गैपिंग है, प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युत माध्यमों से बराबर बराबर मात्राओं में चित्र के अनुसार 2 प्रकार से भर दिया जाता है, मतलब दिमाग देखो जरा, ये जो हमारा संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच खाली स्थान था, इसके भीतर 2 परावैद्युत पदार्थ, एक नहीं 2-2 रख दिए गए, लेकिन 2 स्टाइल से,
दो परावैद्युत पदार्थ बराबर बराबर, जैसे आधा किलो वो आधा किलो, आधा किलो मान लो कागज भर दिया गया, आधा किलो अदरक भर दिया गया, आधा किलो तेल भर दिया गया, आधा किलो जो है कोई और पदार्थ भर दिया गया, तो दो परावैद्युत माध्यम इसकी प्लेटों के बीच बराबर बराबर मात्रा में दो स्टाइल में भरे गए। क्या स्टाइल भरे गए? दो। तो दोनों स्टाइल में जो परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं वह हम आपको फिगर में बना कर दिखा रहे हैं, और ये हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन में बना हुआ है, ये संधारित्व में लिखा दिया है, वही संधारित्व। ठीक है, देखो जरा, प्लेट एक्स है, ये प्लेट वाई है, इसे संधारित्व वही है, इसमें दो परावैद्युत माध्यम भर दिए गए हैं। तो एक स्टाइल ऐसे थी, मतलब ऐसे इतनी दूर तक एक परावैद्युत माध्यम और शेष दूरी में दूसरा परावैद्युत माध्यम, मतलब आप समझो जरा स्टाइल से, यहाँ ये कोई परावैद्युत माध्यम है, मान लो यहाँ पर जल भर दिया या कुछ भी भर दिया, और ये दूसरा परावैद्युत माध्यम दूसरे जो है स्थान पे, आधी दुनिया एक परावैद्युत माध्यम, आधी दुनिया दूसरा परावैद्युत माध्यम, ये ऐसे अलग अलग रख दिया, ये पहली स्टाइल है। इस तरह से जो है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आधे स्थान पर एक परावैद्युत माध्यम, शेष आधे स्थान पे दूसरा परावैद्युत माध्यम, और दूसरे में इस तरह से जो है दूसरा चित्र ऐसे बना हुआ है कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र था दोनों प्लेटों से बना हुआ, इसमें परावैद्युत माध्यम रखा भी था इसमें, लेकिन कैसे रखा, दो परावैद्युत माध्यम बराबर बराबर मात्रा में इस तरह से भरा, ऐसे आधा आधा किया। अब समझ गए होंगे कि इतनी दूर तक एक परावैद्युत माध्यम, ये इतना जो है ऊपर, ये इतनी दूर तक एक परावैद्युत माध्यम भरा ऐसे, और शेष दूरी में दूसरा परावैद्युत माध्यम भरा। दो परावैद्युत माध्यम दो स्टाइल में भरा है, कभी ऐसे भर रहा है आधा आधा, कभी ऐसे, चित्र दिखाई दे रहा है, दोनों परावैद्युत माध्यमों के परावैद्युतांक तीन और छह है, जैसे इसका परावैद्युतांक तीन, इसका परावैद्युतांक छह, इसका परावैद्युतांक तीन, इसका परावैद्युतांक छह। अब इन चित्रों की धारिता बताओ, मस्त प्रश्न है, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़े, क्वेश्चन अब आपके सामने बोर्ड पर आ गया है, ध्यान दीजिएगा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र, प्रश्न पढ़ रहे सुनिएगा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2μF है, जबकि इसके प्लेटों के बीच वायु या निर्वात स्थित है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच कुछ नहीं है, वायु या निर्वात रूप में है, और इसकी धारिता 2μF है। हम संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन कराए हैं, सूत्र होता है संधारित्र की धारिता का के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, लेकिन जब जो है संधारित्र वायु संधारित्र या निर्वातित संधारित्र हो तो वहाँ के का मान एक हो जाता है, के नहीं लिखा जाता, सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, अब जिसकी वैल्यू दिया है तो यहाँ ए क्या है, ए है इस प्लेट का क्षेत्रफल, ए है क्षेत्रफल, और डी क्या है बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी, समझ आया, प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्लेट का क्षेत्रफल ए है। हमको अब ये इस तरह से कोई चित्र बना के दे दिया है और हम दोनों चित्रों देख रहे हैं वही संधारित्र है, लेकिन जो है परावैद्युत माध्यम रख दिया गया है दोनों संधारित्रों में, और अब इस फिगर की धारिता बताओ और इस फिगर की धारिता, देखो क्वेश्चन में कितनी टेक्निकलिटी है। अगर अभी केवल एक ही माध्यम भरता पूरे में तो सूत्र लगा देते के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, आसानी से आंसर आ जाता ना आंसर, कि गमाना देते आंसर आ जाता। इन दोनों चित्रों में देखो और चित्रों पर थोड़ा सा गौर से देखो तो समझ में आएगा, ये जो चित्र है बेटा, इस चित्र को देखो, पहले समझाए दूसरे चित्र को, यहां पर जो है अगर जो है आप गौर से देखो तो इतनी दुनिया एक परावैद्युत माध्यम भरा है और इतनी दुनिया एक परावैद्युत माध्यम, तो यहां तक जो है
एक संधान हुआ और यहां तक दूसरा। नहीं समझ में आया? ये संधारित्र की कोई प्लेट है और कुछ दूर तक माध्यम भरा है, तो इतनी दूर तक एक संधारित्र हो गया और उसके बाद इतनी दूर तक क्या हो गया, दूसरा संधारित्र। और दोनों संधारित्र खासियत, जैसे जो नीचे वाला संधारित्र है ये इसमें परावैद्युत माध्यम भरा है, ये ऐसे प्लेट है इसकी, ये प्लेट एक्स है मान लेते, ये प्लेट वाई है, दूसरी प्लेट है। और फिर जो दूसरा संधारित्र ये वाला, इसकी ये पहली प्लेट है, ये इधर वाली जाता है पहली प्लेट, और दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, या दूसरी प्लेट कहीं रखी है मानव चलो से, तो ये दोनों बीच में एक साथ है, इसका मतलब दोनों आपस में जुड़े हैं। तो ये संधारित और ये वाला संधारित किस क्रम में जुड़े दिखाई दे रहे हैं? पहले संधारित की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित की पहली प्लेट से जुड़ी है। गौर से देखिए, ये जो है ये हिस्सा पहले संधारित की दूसरी प्लेट है, और इसमें ये जो है ये वाला दूसरे संधारित की पहली प्लेट है, दोनों जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब पहले संधारित की दूसरी प्लेट। अच्छा चित्रवा खड़ा कर दी तो देखा ये एक संधारित यही वाला है पहला वाला, और दूसरा संधारित यही वाला है दूसरा क्या वाला, यह प्लेट तो जुड़ी है ना आपस में, तो पहले संधारित की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित के पहली प्लेट, तो यहां दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ है? तो मतलब इसकी धारिता अलग निकालो, इसकी धारिता अलग निकालो, और दोनों धारिताओं को किस क्रम में जोड़ दो, अब आंसर आ जाएगा ना। तो मतलब ये जो चित्र बना हुआ है चित्र नंबर दो, इस चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहां दो संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। एक और खासियत दोनों संधारित्र में प्लेटें वही है, तो प्लेट का क्षेत्रफल ए रहेगा, लेकिन जैसे यहां तक की चौड़ाई पहले कितनी थी, डी थी, लेकिन अब हमारा संधारित्र इतना बड़ा बन रहा है और दूसरा इतना बड़ा, दोनों की दूरी दो भागों में बढ़ गई है, तो दोनों संधारित्रों की दूरियां कितनी हो गई, डी बटा दो। इस संधारित्र की धारिता निकालें, इस संधारित्र की धारिता निकालें, दोनों को किस तरह से जोड़ दे श्रेणी क्रम में, तो फिर पूरा आंसर आ जाएगा। तो ब्रेन लगाना पड़ा कि नहीं आपका? तो पहले हम दूसरे चित्र साल कर दे रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ पर समझो जरा, ये अब हमको समझाने की जरूरत नहीं है, तो दूसरा जो है पहले लगा रहे हैं, चित्र में दिए गए संयोजन, ध्यान से देखिएगा, चित्र में दिए गए संयोजन में दो संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, दिए गए संयोजन में दो संधारित्र परस्पर श्रेणी संयोजन में है। चित्र समझ लीजिए, दिक्कत हो फिर बता दें, किस संयोजन में है? तो तुल्य धारिता के लिए सूत्र का लगाए, तुल्य धारिता, जिसको ना समझ में आया फिर से पूछ तो बता दे, भाई एक संधारित्र यहां तक है, एक संधारित्र यहां तक है, इसकी अलग धारिता, इसकी अलग धारिता, निकाल कर श्रेणी संयोजन करें। श्रेणी संयोजन का सूत्र होता है 1/5c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ओके यही होता है। वैल्यू देखो 1/c1 माने इस वाले संधारित्र की धारिता क्या होगी, यहां पर परावर्तन k2 है और एक का परावर्तन k1 है, k1 a एप्सिलॉन नॉट बटा d बटा दो, आधी हो गई है धारिता ना, तो प्लेट के बीच की दूरी, प्लस k2 a एप्सिलॉन नॉट बटे d बटा दो, बैलोज रखे बेटा यहां ऊपर लिख दे रहे हैं 1/c बराबर, गौर से देखिएगा, नीचे का हर ऊपर जाता है, ये जो है 1/2 ऊपर आ गया, या यही बटन लिख दे रहे हैं 1/2 k1, तो यहां आता है एप्सिलॉन नॉट बटा डी, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट बटा डी, जिसकी वैल्यू क्या है, एनी डाउट, प्लस 1/2 ये दो ऊपर आ गया, 2k2 गुणे
एप्सिलॉन नॉट बटा डी दो। आप देख रहे हो एक बटा दुदूनी चार केवल कितना बार तीन और दुदूनी चार के टू कितना है चार किया ग्यारह चार छह चौबीस लघुत्तम बोलो तो चौबीस और ये बारह दूनी चौबीस चौबीस एकदम चौबीस तीन बटा चौबीस वन अपान सी आर सी बराबर आठ मिलियन। तुल्यधारिता हमारी कितनी आ गई बच्चों आठ मिलियन। ये पहले चित्र के अनुसार पहले वाले चित्र के अनुसार तुल्यधारिता आठ मिलियन आ गई। इज दैट ओके कहीं किसी को कंफ्यूजन। कह रहे बच्चों पहला पार्ट देखिए जरा और पहले पार्ट को अच्छे से देखिए यहां गौर से देखिए। हमारा ये संधारित्र जो जिसके बीच की दूरी ये यहां से यहां तक डी है आप समझो जरा संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी यहां से यहां तक डी और यहां से यहां तक ये पूरी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल ए है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से चित्र देखिए जरा इसमें दो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है इतनी दूर तक एक परावैद्युत माध्यम इतनी दूर तक एक परावैद्युत माध्यम तो ये यहां बीच से इसको अलग करके जरा समझो बीचों बीच से अलग करके तो ये इस तरह से जो है फिगर आपको दिखाई देने लगेगी। ये ऐसे इतने को अलग समझ रहे हैं क्यों अलग जैसे लग रहा है कि दो पाइप में जो है हमारा प्लेटें दो पाइप में हो गई है इतनी दूर तक जो है एक कोई माध्यम भरा हुआ है केवन और इतनी दूर तक कोई दूसरा माध्यम भरा हुआ है जे टू परावैद्युतांका और ये जो है प्लेटें है ऐसे। अब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। देखिए जरा यहां तक एक संधारित्र एक जो है माध्यम था ऐसे यहां तक एक माध्यम है गौर से देखिए और यहां से दूसरा माध्यम है ये इस तरह से तो एक संधारित्र छोटा सा ये दिखाई देने लगा और एक संधारित्र छोटा सा ये दिखाई देने लगा दो संधारित्र दिखाई देने लगे कि नहीं कि जैसे दो संधारित्र जोड़ के बड़ा सा संधारित्र बन गया। लेकिन दोनों संधारित्र खासियत देखो कि जो प्लेटों के बीच की दूरी पहले थी वही अब भी है बदल क्या रही है जो पहले ये बड़ी वाली प्लेट इतनी दूरी थी अब आधी आधी हो गई तुम्हारे प्लेटों का क्षेत्रफल आधा आधा हो गया इस केस में। एक बात समझ में आई गौर से देखिए कि अगर परावैद्युत माध्यम इस स्टाइल में भरा जाए जैसा कि चित्र में बना हुआ है कि आधी दूर तक कुछ और आधी दूर तक कुछ और तो यहाँ आधी दूर तक एक संधारित्र ये अलग करके आपको दिखा दिए और ये आधी दूर तक दूसरा संधारित्र ये वाला अलग करके दिखा दिए। लेकिन इस प्रकार जो दोनों संधारित्र हमारे बन रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए इन दोनों संधारित्रों में एक इधर वाला जो बना है और एक इधर वाला जो दो संधारित्र बने हुए हैं दोनों संधारित्रों में प्लेटों के बीच की दूरी डी इसमें भी है इसमें भी है प्लेटें नहीं हाफ हो रही है इसके पहले वाले केस में प्लेटों के बीच की दूरी हाफ हो रही थी है ना बीच की चौड़ाई कम हो रही थी लंबा लंबा रखा हुआ है ना हाँ क्षेत्रफल हाफ हो जा रहा है। ये इतनी बड़ी प्लेट इसमें आधी रह गई है इसमें भी आधी रह गई है तो मतलब इसमें क्षेत्रफल आधा होगा और उसमें क्या आधा हो रहा था एक और खासियत एक खासियत और बताए देखो ये पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट है और ये दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट है दोनों आपस में जुड़ी है और ये पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट है और ये दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट है ये भी आपस में जुड़ी है। याद करिए हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि अगर कई संधारित्र इस प्रकार जोड़े जाए कि प्रत्येक की पहली प्लेट एक स्थान पर और दूसरी प्लेट एक स्थान पर तो संधारित्रों का ये कौन सा संयोजन होता है तो यहाँ इस संधारित्र और इस संधारित्र की पहली पहली प्लेट जुड़ी है कि नहीं और दूसरी दूसरी जुड़ी है कि नहीं तो ये कौन सा संयोजन हो रहा समझ आ गया। तो दो खासियत दो संधारित्र बनेंगे दोनों के क्षेत्रफल आधा आधा हो जाएंगे और प्लेटों की दूरी वही रहेगी और संधारित्र किस संयोजन में जुड़ेंगे चित्र से स्पष्ट है समझ आ गया होगा चित्र से स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में ए बटा दो क्षेत्रफल युक्त
प्लेटो वाले दो संधारित्र बनेंगे जो परस्पर किस क्रम में रहेंगे? समांतर क्रम में संयुक्त होंगे। कंप्रेसर के दृष्टिकोण से न्यूमेरिकल की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए हम न्यूमेरिकल ज्यादा लगवाते हैं। आप लोगों को जिससे अच्छे समझ में आए वैसे देख लीजिए, 62 प्रेशर नंबर पर न्यूमेरिकल पहुंच गए, माने इतने न्यूमेरिकल हो चुके, तो आप जानते रहिए। अब देखो बेटा, तुल्यधारिता निकाले। तुल्यधारिता C का सूत्र है C बराबर C1 प्लस C2। तुल्यधारिता जानने का सूत्र C बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2। तो यही सूत्र अप्लाई कर दे बेटा, C बराबर C1 प्लस C2। ध्यान से देखिए जरा,